ये हमारा फराज भाई है। हाय, ये अभी अभी यूनिवर्सिटी से आया, बहुत थका हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि भाई ऑमलेट बनाओ, कटिंग वटिंग करा है। और ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है भाई, गरीबों का माल है। तो हम बना रहे हैं नाश्ता, अभी शाम का वक्त है लेकिन हम नाश्ता कर रहे हैं। तो पराठे मराठे बना रहे और फिर जाएंगे इंशाल्लाह स्विमिंग। थोड़ा खाना खा लेना, सुबह से उठे हुए कुछ भी नहीं खाया, और इसके बाद जाएंगे हम स्विमिंग पूल। तो खाने के बाद फिर चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, पराठे ठीक हो गए, मैंने ये सब मैंने झूठ बोल रहा है, ये रेडी नहीं, ये रेडी वाली मिलते हैं, रेडीमेड है ये, झूठ बोल रहे। तो बाकी घर बाद में दिखाऊंगा। ये हमारा घर है, ये फ्रिज है, सॉरी ये किचन है, और ये ओवन, एंड दिस इज बॉयलर, पानी और हीटिंग सिस्टम, चाय माई मशीन, डिश वाशर। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा गोर पानी का मसला आया था, फ्लूड बारिश, स्नोफॉल में ऐसा हुआ था कि इधर पाइप्स है ना, वो फ्रीज हो चुके थे, तो पानी घर के मतलब दीवार पे आया था, तो स्लिड होता है ना, उसको ख़राब कर दिया था। तो अभी उसको रिमूव कर दिया है और दूसरा आ रहा है, लेकिन दो तीन दिन लगेंगे, तो फिर पूरा सिस्टम सही होगा इंशाल्लाह। रूम्स वगैरह सब कुछ ठीक है, रूम्स भी दिखाऊँगा। रूम्स तो पिछले वीडियोस में मैं शायद आपने देखा भी होगा। तो हम नाश्ता करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि स्विमिंग पूल कैसा हो। दोस्तों मिलते हैं नाश्ते के बाद, बहुत भूख लगी है, नाश्ता रेडी, तकरीबन रेडी हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद चलते हैं स्विमिंग पूल। आपको अच्छा, तो हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल, हम पागल है। हाँ, चिंगम दे दे भाई। अच्छा दुबई, हम नाइट के टाइम पे जा रहे हैं स्विमिंग पूल, मज़ा तब आएगा जब वो बंद होगा। अच्छा तो फराज भाई, ये भी ये मेरा होममेट है, होममेट कहते हैं ना उसको, होममेट है। नहीं, हम दोनों भाई भाई हैं। हाँ भाई, ही इज माय ब्रदर, या एंड ही इज स्टडिंग इन यूक्लान। ये यूक्लान मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन प्रेस्टन कैंपस में। ये तो कह रहे हैं कि मैं खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं सुखेद हूँ कि तू बदकिस्मत है, क्योंकि बात ऐसी है ना, क्योंकि वो दूर है भाई। भाई बात सुनो, बनली जो है ना वो स्मार्ट टाउन है। अच्छा, और प्रेस्टन को देखो यार, कितना खूबसूरत है, हमारे सवाद की तरह कितना खूबसूरत है भाई, कितनी शांति है देखो। और प्रेस्टन जो है ना, वो बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना। अब कितना बड़ा है, मैं गया था कसम से, बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल स्टूडेंट। वहाँ के स्टूडेंट्स देखो, वहाँ के कैंपस देखो, वहाँ की यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स है ना, ट्यूसडे को जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर क्या है, दो तीन बिल्डिंग है, इन्होंने इसको यूनिवर्सिटी बनाया है भाई। और ये हमारा दोस्त पढ़ रहा है, ये बहुत खुश है कि मैं इसमें बहुत यार, ये वैसे जल रहा है मुझसे, क्योंकि ये नज़दीक है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, स्टूडेंट भी बहुत है। हाँ तो अच्छा, तो कैसा लगा यूके में? अच्छा है, बहुत लेकिन अच्छा। यहाँ की लाइफ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। अगर मतलब पाकिस्तान में आप स्टूडेंट्स की लाइफ को देखें ना, वो चिल मार रहे होते हैं, बस यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, मज़े करते हैं, मजे करते, लेकिन पैसे तो नहीं कमा सकते ना। पैसे नहीं कमा, ये बात है, ये बात है भाई। पाउंड पाउंड का रेट पता है आपको? 332 है आज, 332 कल जो है ना 350 हो जाएगा। आयशा वशे फिर मजे होंगे ना, मौज जा। अच्छा तो बनले कैसा लगा, मतलब कैसा इलाका है बनले? स्टडी यूके जो है ना, स्टडी कैसा लगा यूके में? स्टडी जो है ना, पाकिस्तान में जो स्टडी होती है वो बहुत मुश्किल होती है। हाँ, लेकिन यहाँ उस चीज़ का मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे काम करना भी पड़ता है और स्टडी भी करनी पड़ती है, सफाई मतलब घर की सफाई, घर की काम वगैरह, तो सब कुछ सर पे आता है। लेकिन अच्छा होता है, मतलब यूके की डिग्री और यूके में लाइफ,
अच्छी होती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं मतलब फैमिली नहीं होती उनके लिए बड़ी मुश्किल है। वो तो है, हमारे वो भी एक दो महीने के लिए उनके लिए बड़ी मुश्किल। सही बात है ये, क्योंकि शुक्र है कि मेरा भी इधर कज़न्स वगैरह थे और इनके भी कज़न्स थे, तो इनके लिए कुछ मुश्किल नहीं थे, तो शुक्र है अल्लाह से, अलग अलग शुक्र है। लेकिन जब स्टूडेंट्स आते तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पे जाया करो जहाँ पे आपकी रिश्तेदार हो, तो वहाँ पे मतलब आपकी मुश्किल नहीं होगी और फिर थोड़ी आसानी होगी ना, मतलब वन मंथ के लिए और टू थ्री वीक्स के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। तो फिर स्विमिंग पूल में मिलते हैं, अब जा रहे रास्ते में ठंड भी है, तो उधर मिलेंगे अच्छा। तो यार हम गए थे स्विमिंग के लिए, जिम भी गए थे, लेकिन उन्होंने मना किया था कि यार हमने वीडियो भी किया था, लेकिन फिर पता नहीं, फिर पता चला उनके कि वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेसी होती है, वीडियो नहीं कर सकते, पब्लिक जगह पे वीडियो नहीं कर सकते। तो यार सॉरी अबाउट दैट, अगर कभी मौका मिला, अगर ऐसा टाइम हो कि कोई भी नहीं हो जिम और स्विमिंग में, तो फिर दिखा मतलब हम वीडियो कर सकते हैं। तो ये था जिम, हॉस्पिटल भी है और जिम भी है, स्विमिंग एरिया भी है, सब कुछ है। हमने स्विमिंग भी किया और वो जो स्टीम होता है उस रूम में भी मतलब बैठे थे, बहुत यार नाइस रिलैक्सेशन का सीन था, सब कुछ था वहाँ पे। सोना कहते हैं उसको, वो वहाँ पर भी गई थी, मतलब ऐसा फील होता है, कोयला होता है ना कोयला, उसको मतलब उसकी हीट आते है, बहुत गर्म जगह होती है वो, पसीना भी आता है बंदे से। और एक वो पता नहीं एक छोटा सा स्विमिंग था, बैठ गए थे पानी, वो नीचे से पानी तेज़ी से आ रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, बॉयल कर रहा था। बॉयल के क्या सीन था, मतलब वो पहले तो हम बैठे थे पानी वो ही बॉयल ही नहीं हो रहा था, फिर जब हम थोड़ी देर बैठे 5 मिनट तक, फिर वो बॉयल करना शुरू, ऐसा था जैसे पानी मसाज कर रहा है, मसाज कर रहे हैं, बहुत गुदगुदी हो रही थी, गुदगुदी ये तो हंस पड़ा था। तो यार इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सॉरी अबाउट दैट कि मतलब वो अंदर की वीडियो नहीं कर सकते, दो सिक्योरिटी अफसर आए थे यार इस बाइक के पास, सॉरी इसने रंग बदल दिया था, सॉरी कह रहा था कि मुझे माफ करो यार, पता नहीं था यार कि क्या सीन है, मतलब ऐसा तो कॉमन सेंस है ना कि मतलब ऐसी जगह पे वीडियो नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा है कि मतलब यूट्यूबर जाते हैं अंदर स्विमिंग के लिए, तो अपने साथ वीडियो वगैरह कर सकते, पता नहीं इधर कह रहे थे। तो चलो दूसरी बार जब जाते हैं तो उनसे पहले पूछेंगे कि अगर इजाज़त हो तो वीडियो कर सके कि नहीं, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर देना चैनल, हाँ थैंक यू, ये मेरा भाई है।